जो बहन भाई पंडाल से बाहर हैं, आप कृपया जल्दी से मजलिस पंडाल में आकर बैठें, और जो बहन भाई यहाँ पर खड़े हैं, आप सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं जी, किसी ने भी खड़ा नहीं रहना जी। पूजनीय गुरु जी स्टेज पर बता रहे हैं, सभी ने सत्कार में नारा बोलना है। सतगुरु तेरा ही आसरा, मास्टर विक्रम जी इंसान भजन सुना रहे हैं जी। इनके वाल प्रेमी जितेंद्र जी इंसान भजन बोलने के लिए तैयार हैं जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आई आई जी, आई आई जी नवंबर प्यारी 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 प्यारी, मालिक लाई जी कर मोए वाली, मालिक लाई जी कर मोए वाली। श्यामस्ताना जी, श्यामस्ताना जी आए जी आज प्यारे 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 प्यारे, कण कण गूंज उठी शहनाई। श्याम स्थान जी आज पधारे, दर्द पे आए जग सिर जन हारे, दर्द पे आए जग सिर जन हारे। श्याम स्थान जी, श्याम स्थान जी आए जी आज प्यारे प्यारे हरे प्यारे, पुकार सुनी दाता। हमको बचाओ हमरे विधि विधाता, काल सताए हमें रब, हमको बचाने दाता आओगे तुम कब, हमको बचाने दाता आओगे तुम कब। श्यामस्ताना जी, श्यामस्ताना जी आए जी आज प्यारे प्यारे हरे प्यारे, रूहों के आए जी आज मन जा रे, रूहों के आए जी आज मन जा रे। धन धन मात पिता जिन जाए, धन वो धरती जा चरण टिकाए। धन मस्ताना जी जिन्होंने बताया, शस्त्र नाम जी का सारा भेद बताया, शस्त्र नाम जी का सारा भेद बताया। आई आई जी, आई आई जी नवंबर प्यारी प्यारी
प्यारी प्यारी मालिक लाई जी कर मोए वाली, मालिक लाई जी कर मोए वाली। सत्संग बिना न समझ जी आए, गुरु बिना न कोई सच जी बताए। श्याम सताना जी सच बताया, समझे वो जो संगत में आया। वचनों पे जिसने अमल कमाया, श्याम सताना जी, श्याम सताना जी आए जी आज प्यारे प्यारे, प्यारे प्यारे रूहों के आए जी आज मन जा रे, रूहों के आए जी आज मन जा रे। मुर्शिद जी के गुण ना जाए, रोम रोम जुबा हो तो भी ना गा पाए। दासन दास को मीत बनाया, किए उपकार दाता जाए ना गाया, किए उपकार दाता जाए ना गाया। श्याम सताना जी, श्याम सताना जी आए जी आज प्यारे प्यारे, प्यारे प्यारे रूहों के आए जी आज बन जा रे, रूहों के आए जी आज बन जा रे। आई आई जी नवंबर प्यारी प्यारी, प्यारी प्यारी मालिक लाई जी कर मोए वाली, मालिक लाई जी कर मोए वाली। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी जितेंद्र जी इनसा भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागो जी इनसा भजन सुनाएंगे जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गम वाले चरखा गम वाले चरखा ते दुखा दिया पूनिया है। जो कती जवानी होने पईया दूनिया, कत सकदी ना मैं कमलिए, मैं कमलिए कुड़िए, नी मेरी पूनिया दी भरी ओ चिंगारी। बंदे अंदरों वसदा मैं भू, बंदे अंदरों गम वाले चरखा भावे सो सो जुमा पड़े आइए। गंगा गया गल मुकदी नहीं हो, गंगा गया गल मुकदी नहीं हो, भावे सो सो गो ते खाइए। हो बुल्ले शाह
بھلے شا گلتا یوں مکدی جد میں نو دلوں گوئیے عبادت کر عبادت کرن دے نال گل بن دیئے عبادت کر عبادت کر عبادت کرن دے نال گل بن دیئے کسے دی اج بن دیئے کسے دی کل بن دیئے مکے جا جا حج گزارے مکے جا جا مکے جا جا حج گزارے نام رکھا لیا حاجی پر اجے تو بلیا کچھ نہیں او بنیا جے تو داتا نہیں کیتا راجی بندے اندروں وسدا محبوب بندے اندروں بندے اندروں وسدا محبوب پالن ایک بار جامدا کر مالک محسوس پالن ایک بار جامدا اندروں ہی مالک محسوس بندے اندروں وسدا محبوب بار جام دا کر اندروں ہی مالک محسوس کلن ایک بار جام دا اندروں ہی مالک محسوس تیل مجو پالن ایک بار جام دا کر اندروں ہی مالک محسوس پالن ایک بار جام دا وسے محبوب بج جنگل چے جان گواں دے نے خزانہ اندر سی انہاں دے مقصود خزانہ اندر سی انہاں دے مقصود پلن اک بار جام دا کرے اندروں من مایا پیچھے لگ تو کھائینا شاہ ستنام جی دے بچن بلائینا مت نام بنا سب ہے فضول موت نام بنا سب ہے فضول
پلن کبار جام دا کر اندروں ہی ملک محسوس پلن کبار جام دا اندروں ہی ملک محسوس دھن دھن ستگرو تیرا ہی آسرا سارا عالم جھومے ناچے کیا عجب نظارہ ہے پیارے پیارے داتا شاہ مستانہ جی کا جنم بھنڈارا ہے سارا عالم جھومے ناچے کیا عجب نظارہ ہے پیارے پیارے داتا شاہ مستانہ جی کا جنم بھنڈارا ہے ناچ رہی ہے روحیں سب کا چمکا ستارہ ہے پیارے پیارے داتا شاہ مستانہ جی کا جنم بھنڈارا ہے مہان ممبر میں شہنشاہ آن پدارے جی دو جہاں کے ساتھ لے کر آئے نظارے جی گلشن گلشن میں کوئلیں گاتی ہے اپنے اپنے انداز میں خوشی مناتی ہے تو کبھی نہ ٹوٹے ایسا ہم کو ملا سہارا ہے پیارے پیارے داتا شاہ مستانہ جی کا جنم بھنڈارا ہے کالی کی کالی راتیں مل رہی ہے مرشد کے پیار کی پیاری داتیں ہر کی خوشیوں میں مالا مال ہوا دیال تو روحوں پہ بڑا دیال ہوا خوشی کا خزانہ لٹایا ہم کو سارے کا سارا ہے پیارے پیارے داتا شاہ مستانہ جی کا جنم بھنڈارا ہے نام جپاتے جام پلاتے جوڑ رہے رب سے پریم لٹاتے پریم سکھاتے پریم کرو سب سے شاست نام جی کا کریں شکریہ ہم شامستانہ جی کا کریں شکریہ ہم کیا جنہوں نے جی ہم سب کو بیگم سچے سودے جیسا کوئی نہ اور دوارا ہے پیارے پیارے داتا شامستانہ جی کا جنم بھنڈارا ہے پیارے پیارے داتا شاہ مستانہ جی کا جنم بھنڈارا ہے دھن دھن ستگرو تیرا ہی آسرا مالک کی پیاری ستسنگ جیو سچے مرشد کامل داتا رہبر کے پاک پوتر بھجن آپ کی سیوا میں ارج کرتے رہتے ہیں اور آج بھی آپ کی سیوا میں ایسے ایک بھجن ارج کرتے ہیں جی دھن دھن ستگرو تیرا ہی آسرا ملا قیمتی سما اسے کھو رہا کہاں ملا قیمتی سما اسے کھو رہا کہاں اس جنم کا لابھ اٹھا لے نام جپ کر سفل بنا لے ملا قیمتی سما اسے کھو رہا کہاں
ये मानस जन्म बार बार ना मिले ना मिले, जगर चौरासी मेला के मिले जी मिले, मिरता नंगवा ले नाम दया, इस जन्म की कदर तू पाले, मिला कीमती समा इसे को रहा कहा, मिला कीमती समा इसे को रहा कहा, इस जन्म का लाभ उठा ले, नाम जप कर सफल बना ले, मिला कीमती समा इसे को रहा कहा। सब काल की वगार कर्जा अगले जहान का बना ले, मिला कीमती समा इसे को रहा कहा। जिस काम को आया रहा भूल जी भूल जी, जिस काम को आया रहा भूल जी, हीरा जन्म मिला रहा धूल जी, जन्म बड़ा अनमोल रहा कौड़ी संग तोल, कुछ जन्म की कीमत पाले, मिला कीमती समा इसे को रहा कहा, इस जन्म का लाभ उठा ले, नाम जप कर सफल बना ले, मिला कीमती समा इसे को रहा कहा। पूंजी की मत श्वासों की लाया लाया, पूंजी की मत श्वासों की लाया लाया, सच्चा करने व्यापार यहाँ आया आया, सौदा सच न किया सब झूठा है किया, पूंजी कीमती विषयों में गले, मिला कीमती समा इसे को रहा कहा, मिला कीमती समा।
भरे सद जाए नमाय नाम काम नयाय जल अपनी में जीव को बसाले मिला कीम दिसमा इसे खुरा गहा इस जन्म का लाभ उठा ले नाम जप कर सफल बना ले पे मिला कीम दिसमा इसे खुरा गहा सफल बना ले मिला कीमती जमा इसे खोरा कहाँ मिला कीमती जमा इसे खोरा कहाँ धन धन सदगुरु तेरा ही यश। तो अभी आपने भजन में सुना मिला कीमती समा इसे खो रहा का। समय बेशकीमती है मनुष्य शरीर का, जीवात्मा को जो मानस का शरीर मिला है बेशकीमती है। इसमें अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब को याद करना, उसकी भक्ति इबादत करना और आवागमन से अपने आप को आजाद करवाना, दुख गम चिंता परेशानियों से निजात दिलाना, ये मनुष्य शरीर में मानस शरीर में हो सकता है, संभव है। लेकिन ये तभी संभव है जब मालिक के नाम का सुमरण किया जाए। बेपरवाह जी ने यही भजन में फरमाया कि तू इसे कहां गुम कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, इस जन्म का लाभ उठा ले। अरे भाई, इस जन्म का लाभ उठा, नाम जप कर सफल बना ले, ईश्वर का नाम जप, मालिक की भक्ति कर, ताकि तू अपनी आत्मा को आवागमन से आजाद करवाए और यहां मृत्यु लोक में रहता हुआ दोनों जहां की खुशियों का हकदार बन जाए। यह संभव है, ऐसा हो सकता है। ये मृत्यु लोक जब इंसान रूहानी मंडलों पे जाता है तभी से एक गंदगी का ढेर लगने लगता है और जैसे जीवात्मा पार ब्रह्म हो जाती है तो यह मृत्यु लोक
जिसमें हम सब लोग रह रहे हैं बिल्कुल ही सीवरेज की तरह नजर आता है। वहां परमानंद है या गम है, क्षणिक आनंद और सारे जीवन का गम, चिंता, परेशानियां, क्षणिक सुख फिर दुखी दुख, वहां परमानंद है, दुख होता ही नहीं। इसलिए ये तमीज नहीं रहती क्या सुख है, क्या शांति, क्या परम शांति। इंसान प्रभु के परमानंद में डूबा हुआ परम आनंद, परम लज्जत नजारे लूटता है, जिसके लिए अल्फाज कम पड़ जाते हैं, जुबा साथ नहीं दे पाती, कोई दुनिया की डिक्शनरी नहीं, कोई ऐसे शब्द नहीं जिनके द्वारा इंसान मालिक की दया में रहमत को हासिल कर सके, उसकी दया दृष्टि के काबिल बन सके, मालिक की कृपा के काबिल, मालिक की दया में रहमत के काबिल बना जा सकता है, उसके दर्ज दीदार भी हो सकते हैं, लेकिन उसका पूर्णतया वर्णन करना असंभव है, नामुमकिन है। उन शब्दों को अल्फाज बोने पड़ जाते हैं, उस परमानंद के सामने सारे शब्द छोटे रह जाते हैं, तो उस परमानंद को महसूस किया जा सकता है। वो आनंद, वो लज्जत, वो खुशी इंसान अगर हमेशा जहन में रखे, दिमाग में रखे, तो सारी उम्र उसको क्षणों में जो मालिक के दर्श दीदार होते हैं, शेख फरीद जी कहते हैं, तमाम उम्र तेरे प्यार मोहब्बत की जाद में मैं काट सकता हूं, बस एक बार दर्श दीदार की झलक दिखा दे। आदमी चक्कर ये है, मालिक के प्यार मोहब्बत का रंग धीरे धीरे चढ़ता है, चढ़ गया फिर मनमते लोगों का संग किया, फिर उनके जसाथ बैठा उठा, फिर से फटी पोच देता है। मन बड़ी जालिम ताकत है, इसलिए मन से बचो। अगर आप परमानंद चाहते हो, खुशियां चाहते हो, तो आप सुमरन करो, सेवा करो और मालिक की भक्ति इबादत में समय लगाओ। यहां तक हो सके बुराई के संग से परहेज करो, कहीं निंदा बुराई में रहना भी पड़े तो 5-7 मिनट सुमरन करो, तो की गई बुराई, की गई निंदा जो आपने सुनी उसका असर आप पे नहीं होगा। आपके अंदर कैसे भी विचार चलते हैं, आप शाम को जब सोने जा रहे हो भक्ति इबादत करो, अल्लाह मालिक को याद करो, वो थोड़ा सा समय आपके तमाम दुखों को दूर कर देगा, तमाम चिंता परेशानी जो निंदा की वजह से आपके दिलो दिमाग में आने वाली है उससे आपको निजात दिला देगा, आपको आजाद करवा देगा। इंसान जितना दीनता नम्रता से रूहानियत में चलता है उतना ही मालिक के परमानंद के काबिल बनता है। जब जब अहंकार इंसान को आता है तब तक डूबता चला जाता है, खुदी का रूहानियत के दरबार में कोई जगह नहीं। जब खुदी मर जाती है तो खुदा मिल जाता है, और जब खुदी रहती है तो खुदा चला जाता है। इंसान अपनी जैसी खसलत का मालिक है, जैसे वो विचार करता है अगर उनको पर्ण कर ले, छोड़ दे, तो क्या कौडा राक्षस भक्त नहीं बन गया, क्या गण का वैश्य भक्त नहीं बन गई। हो सकता है यह संभव, पर अपने गुरु संत के वचनों को माने और पूर्णतया माने और पूरा अमल करें। ये चंद दिनों का खेल नहीं है, 2-4 दिन माने फिर वहीं का वहीं, 2-4 दिन माने फिर वहीं का वहीं। ऐसे इंसान ना संसार में सुखी, ना रूहानियत में सुखी, ना अंदर शांति ना बाहर शांति, और ऐसे लोगों के जो भी दायरे में आते हैं वो भी अशांत रहते हैं। इसलिए इंसान ऐसे लोगों से दूर से ही परहेज करना शुरू कर दे, वही मालिक को पा सकता है। हम ये नहीं कहते किसी से नफरत करो, पर यहां जाने से आपको अशांति मिलती हो, कोई जरूरी तो नहीं कि आप वहीं जाके जुबान लड़ाएं, कोई जरूरी तो नहीं कि आप उन लोगों का संग करें। इंसान अपने सतगुर अल्लाह मालिक वाहिगुरु गॉड खुदा रब की रहमत को जितना जल्दी भुलाता है, शायद दुनिया में हमने किसी और को ऐसे भुलाते किसी चीज को नहीं देखा। अरे परमानंद मिला हो इंसान ताउम्र ना भूले, मालिक उस नजारे को कभी भूल ही नहीं सकता, पर मन जालिम बैठा है ना साथ, और मन मते लोग बैठे होते हैं, बड़ा बन गया आशिक, अब बना है रब का प्यारा, अब चला है ये भक्ति करने, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तरह तरह के टोंट कसते हैं, और आदमी अपनी खसलत जैसी होती है फिर से उसी में गिर जाता है। मालिक चाहे तो बहुत कुछ है, मालिक चाहे तो दोनों जहां की खुशियां अता कर दे, पर बंदा आके तेरा हाथा काट नहीं रेंदी बंदे नू। बंदा कह तो देता है कि मैं तेरा हूं, वायदा, जन्म में भी वायदा करता है, मां के गर्भ में जब जब परेशानी आती है, जब जब दिखता है कि गलत है, तब तब वायदे करता है,
पर उसको पूरी तरह से निर्वाह कर दे, पूरी तरह से निभा दे, तो यकीनन वो हमेशा के लिए परमानंद का अधिकारी बन जाए। पर दुख इसी बात का है कि इंसान बहुत वायदा खिलाफी करता है, ये दूसरी चीजों पे ध्यान ज्यादा देता है और अल्लाह मालिक राम की तरफ ध्यान कम देता है, इसीलिए बेचारा गम का मारा गम में ही डूबा रहता है। सतगुरु चाहे खुशियां देता है, रहमो करम हमेशा बरसाता रहता है, पर जिसका बर्तन ही औंधा हो जाए कहां से खुशियां मिले। तो बर्तन को सीधा करना है राम नाम, बुरे लोगों का संग छोड़िए, मनमतों का संग छोड़िए। तकलीफ तो आएगी क्योंकि मन कहेगा यार क्या हुआ ऐसा, लेकिन छोड़ो, छोड़ने में ही फायदा है, तभी सुख है, वरना उनका रंग ज्यादा चढ़ेगा और राम नाम का रंग फीका पड़ जाएगा, क्योंकि ये घोर कलयुग है। या मन और मनमति लोगों की कहेगी बात पे लोग ज्यादा विश्वास करते हैं और अपने सतगुरु पीरो मुर्शिदे कामिल की बातों पे यकीन जल्दी से नहीं करते, इसलिए खाली रह जाते हैं। तो यही भजन में फरमाया बेपरवाशी ने, इस जन्म में नाम दिया सकता पेड़ी जिंदगी की पार लगा सकता, समय हाथ है आज चढ़ नाम जहाज, शास्त्र नाम जी कहे नाम ध्याले। तो सच्चे मुर्शिदे कामिल कहते हैं, फरमाते हैं कि भाई नाम जप मालिक का सुमरन कर आवागमन से आजाद हो जाएगा और दोनों जहां की खुशियों का हकदार होगा, यहां वहां की दौलत जब तेरी झोली में गिर जाएगी, जब दिलो दिमाग में आ जाएगी, तो खुशियों की बहारें छा जाएंगी और तू परमानंद से हमेशा जिंदगी जीने लगेगा। तो मानना न मानना इंसान की मर्जी है, क्योंकि हर कोई मर्जी का मालिक है, कोई किसी का गुलाम नहीं, हम तो सबके गुलाम हैं, सदगुरु ने बना दिया अदरवाइज तो नहीं, उनका रहमत है उन्होंने बना दिया, और जिसको सतगुरु बना दे तो कोई क्या रोक दे, जिन्होंने वचन ही ऐसे किए हों। सो सतगुरु तो अब भी नवाज रहा है, पर कोई वचन मानने तो ना, मानने मानने का भी तो फर्क है। तो भाई अमल करो तो दया में रहमत के काबिल हमेशा के लिए बन जाओ। प्यारी सत्संग जी, विदेशों से कोई बात करना चाहते हैं सत्संगी, शारजहां यूएई से बात करना चाहते हैं, हाँ जी राजकुमार जी बोलो, आप स्क्रीन पे नजर आ रहे हो, बोलो बेटा। पिताजी धन धन सतगुरु तेरे आसरा। जी बेटा। पूजनीय पिताजी, मैं आप जी का बेटा राजू इंसान शारजा यूएई से बोल रहा हूँ जी। जी। सबसे पहले प्यारे पिताजी, आप जी को शहनशाह मस्ताना जी महाराज जी के शुभ जन्म माह की सारी सात संगत की तरफ से लाख लाख बधाई हो पिताजी। आपको भी बेटा। प्यारे पिताजी, जब से आप जी ने मुझे अपने चरणों में लगाया है तब से मेरी जिंदगी ही चेंज हो गई है, बहुत ज्यादा प्यार आप जी ने पिताजी दिया है। पिताजी आप जी के दया में से मैं ग्रीनेस का सेवादार भी हूँ। पिताजी अगर आपकी आज्ञा हो तो एक करिश्मा सुनाना चाहता हूँ। जी बेटा। पिताजी तकरीबन 4-5 साल पहले की बात है, मैं दरबार के सतब्रह्मचारी सेवादार भाई वेद जी और अपने दो ग्रीनेस भाइयों के साथ यहाँ दरबार में आप जी के दर्शनों के लिए आया हुआ था। पिताजी हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और पूरे रास्ते यही सोच रहे थे कि आज तो हम पिताजी से मिलेंगे और फर्स्ट टाइम पिताजी से बात करेंगे, लेकिन जब हम दरबार पहुंचे तो आप जी बहुत ज्यादा बिजी थे और इसी वजह से सेवादारों ने सिर्फ भाई वेद जी को ही आपसे मिलने दिया और हम बिना आप जी से मिले वापस आ रहे थे। मैं पिताजी पूरे रास्ते रो रहा था और यही बार बार सोच रहा था कि पिताजी तो सबके दिलों की जानते हैं, फिर भी पिताजी हमसे मिले क्यों नहीं। पिताजी मैं उस दिन काफी उदास था और उसी रात को पिताजी आप जी ने मुझे सपने में दर्शन दिए और मैंने सपने में देखा कि बहुत बड़े आकार में आप जी का प्यारा सा चेहरा दिखाई दे रहा है और आप जी के चेहरे के अंदर मुझे पूरा पिताजी मौजपुर धाम दिखाई दे रहा है। उस दरबार के अंदर जिन सेवादारों की लंगर घर में जिन की बाग में सेवा लगी हुई थी वो सभी सेवादार सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस वक्त पिताजी ऐसा लग रहा था जैसे आप दरबार के कण कण में समाये हुए हैं। पिताजी आप जी ने सपने में दर्शन देकर मेरी तड़प को पूरा किया। पिताजी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं शब्द की दो लाइनें सुनाना चाहता हूँ। जी बेटा। मुर्शिद प्यारे प्यार तेरे बिन पल भी रहना नहीं, दर्द जुदाइयां वाला रूने पल भी सहना नहीं, अपने चरणी दाता साड़ी ओढ़ निभा देना, तू याद रहे
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆ ਬੁਲਾ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਨਿਊ ਸੀਡੀ ਨਿਕਾਲ ਕਰ ਹਮ ਪਰ ਜੋ ਉਪਕਾਰ ਕੀਆ ਹੈ ਉਨਕੋ ਹਮ ਸ਼ਬਦੋਂ ਮੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਬ ਆਪ ਜੀ ਸੀਡੀ ਮੇ ਬੀਨ ਬਜਾਤੇ ਹੋਏ ਯਾ ਬਾਈਕ ਚਲਾਤੇ ਹੋਏ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਆਪਕੋ ਤੋ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਲਗਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ੰਕਰਨਾਥ ਕੀ ਸੀਡੀ ਨਿਕਾਲੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਬਰਦਸਤ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਮਾਰੇ ਦਿਲ ਕੀ ਇਹ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਕੀ ਨੈਕਸਟ ਸੀਡੀ ਮੇ ਆਪ ਜੀ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ। ਬੇਟਾ ਐਸਾ ਹੈ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਸੀਡੀ ਹੈ ਵੋ ਤੋ ਆ ਚੁਕੀ ਹੈ ਅਭੀ ਆਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਵੋ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਸਕੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਬਸ ਕੁਛ ਦਿਨੋਂ ਮੇ ਹੀ ਵੋ ਆਪਕੇ ਲੋਗੋਂ ਕੇ ਹਾਥ ਮੇ ਹੋਗੀ। ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਕਾ ਯਹਾਂ ਤੱਕ ਬਾਤ ਹੈ ਹਮ ਤੋ ਖੇਲਤੇ ਹੈ ਬੇਟਾ ਲੇਕਿਨ ਹਮਾਰੇ ਜੋ ਕੈਮਰਾ ਮੈਨ ਹੈ ਉਤਨੇ ਅਭੀ ਫੁਰਦੀਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈ ਅਬ ਜੈਸੇ ਹਮ ਖੇਲ ਰਹੇ ਥੇ ਅਭੀ ਹਮ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਉਨ੍ਹੋਂ ਵੈਸੇ ਸੀਡੀ ਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਕਰੇਂਗੇ ਉਸਕੋ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਤੋ ਹਮ ਜਬ ਖੇਲ ਰਹੇ ਥੇ ਬੇਬਰਾਜ ਕੀ ਰਹਿਮਤ ਸੇ ਤੋ ਜੋ ਸ਼ਾਟਸ ਲਗ ਰਹੇ ਥੇ ਤੋ ਇਨਕੇ ਕੈਮਰੇ ਕੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਜਬ ਤੱਕ ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਕਰਤੇ ਥੇ ਤਬ ਤੱਕ ਤੋ ਬਾਲ ਕਹੀਂ ਸੇ ਕਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਲਿਕ ਜਾਣੇ ਕਿਆ ਥਾ ਤੋ ਇਨਸੇ ਵੋ ਕੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਯਹਾਂ ਤੱਕ ਇਨਕੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਉਸ ਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਬਾਲੇ ਜਾਇਆ ਕਰਤੀ ਥੀ ਹਮਨੇ ਇਨਸੇ ਬੋਲਾ ਥਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਸੇ ਬਣਾਨਾ ਹੈ ਯੇ ਤੋ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਂਗੇ ਅਬ ਇਹ ਕਹਤੇ ਜੀ ਧੀਰੇ ਸੇ ਮਾਰਾ ਕਰੋ ਆਪ ਐਸਾ ਤੋ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਮੇ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਵੋ ਤੋ ਪਲੇਅਰ ਪੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਕੈਸਾ ਖੇਲਤਾ ਹੈ ਔਰ ਹਮ ਕਭੀ ਧੀਰੇ ਖੇਲਤੇ ਨਹੀਂ ਯੇ ਹੈ ਤੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੈਸੇ ਤੈਸੇ ਇਸ ਮੇ ਕਭੀ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਉਸਕੋ ਪਕੜ ਪਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜੋ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹੋਤੇ ਹੈ ਜੋ ਮੈਚੋਂ ਕਾ ਲਾਈਵ ਕਰਤੇ ਹੈ ਵੋ ਉਨਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਤੀ ਹੈ ਕੈਮਰੇ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਫਾਈ ਹੋਤੇ ਹੈ ਯਹਾਂ ਵੋ ਵੈਸੇ ਕੈਮਰੋਂ ਕੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਨਕੋ ਪਕੜ ਪਾਏ ਫੁੱਟਬਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਵੋ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੈ ਉਸਮੇ ਸ਼ਾਟ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਕਰੰਟ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਤੇ ਹੈ ਤੋ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਂਗੇ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜੈਸਾ ਤੈਸਾ ਜੈਸਾ ਵੀ ਬਣ ਪਾਇਆ ਔਰ ਜੈਸੇ ਵੀ ਬਣ ਪਾਇਆ ਤੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਂਗੇ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਤੋ ਹਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਲਾਸਟ ਮੇ ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਇਸ ਨਾਦਾਨ ਮੁਰੀਦ ਸੇ ਕਭੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਮੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋ ਤੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਚਰਨੋਂ ਮੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਯੂੰ ਹੀ ਹਮਾਰੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨੋਂ ਸੇ ਲਗਾਏ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਹਮ ਸਭ ਕੀ ਔਰ ਨਿਭਾ ਦੇਣਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਗੇ ਸੇ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਸੁਮਰਨ ਕਰਤੀ ਹੋਈ ਦੀਨਤਾ ਨਮਰਤਾ ਸੇ ਔਰ ਦ੍ਰਿੜ ਯਕੀਨ ਸੇ ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਵਚਨੋਂ ਪਰ ਚਲਤੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ UI ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਔਰ ਦਇਆ ਮੇਰ ਕੋ ਪਾਤੀ ਰਹੇ ਜੀ। ਜੀ ਬੇਟਾ ਬਚਨੋਂ ਵੀ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣਾ ਛੋਟੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਅਨਜਾਣੇ ਮੇ ਤੋ ਨਾਰਾ ਲਗਾ ਦੀਜੀਏ ਮਾਫ ਹੈ ਬੇਟਾ ਮਾਲਿਕ ਮਾਫ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਆਪ ਸਭ ਕੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬੇਟਾ ਦਾਨ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਆਸਰਾ। ਤੋ ਬਾਕੀ ਬੇਟਾ ਜੀ ਆਪ ਸਿਮਰ ਕਰੇ ਬਚਨੋਂ ਪੇ ਰਹੇ ਬਸ ਮਾਲਿਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਬਸ ਜੋ ਹਮਸੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਵਾਤੇ ਹੈ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸੱਚੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਾਮਿਲ ਕਰਵਾਤੇ ਹੈ ਹਮੇ ਕੁਛ ਆਤਾ ਜਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਗੇਮਸ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹਮ ਤੋ ਕਿਸੀ ਵੀ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਵੋ ਦੋਨੋਂ ਜਹਾਂ ਕਾ ਮਾਲਿਕ ਹਮਸੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵੋ ਜੋ ਚਾਹੇ ਵੋ ਕਰਵਾ ਲੇਤਾ ਹੈ ਇਹ ਉਸਕਾ ਰਹਿਮ ਓ ਕਰਮ ਹੈ ਤੋ ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੇ ਲਈ ਹਰ ਕਾਰਿਆ ਵੋ ਕਰਵਾ ਲੇਤਾ ਹੈ ਇਹ ਉਸਕਾ ਰਹਿਮ ਓ ਕਰਮ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਅਬ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੋ ਮੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣਾ ਕਾਮ ਧੰਦਾ ਕਰਤੇ ਹੋਏ 87 ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪਰ 456 ਕੇ ਕਰੀਬ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੇ ਮਾਧਿਅਮ ਸੇ ਲਾਈਵ ਮਜਲਿਸ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਭ ਕੋ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਪਰ 376 ਕਨੈਕਸ਼ਨੋਂ ਪਰ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਕੀ ਤਾਦਾਦ ਮੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਵੇ ਸੁਣ ਰਹੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਮੇ ਦਿਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹਮੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਭ ਕੋ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਾਲਿਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਪੂਜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਮਾਰੇ ਸਕੂਲ ਕੇ ਖਿਲਾੜੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਮੀ ਗਰਲ ਸਕੂਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਰਮੋੜੀਆ ਪੂਜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਮਾਰੇ ਸਕੂਲ ਕੇ ਗਰਲਸ ਸਕੂਲ ਕੇ ਖਿਲਾੜੀ ਕੋ ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੇ ਲਈ 17-18 ਕੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਚਾਹੀਏ। ਜੀ ਬੇਟਾ ਪੂਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਾਲਿਕ ਆਪਕੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ ਪੂਰਾ ਟੈਲੈਂਟ ਦਿਖਾਓ ਸਿਮਰ ਕਰਤੇ ਰਹੋ ਮਾਲਿਕ ਸਾਥ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਵਿਦੇਸ਼ੋ ਮੇ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਮੇ ਤੋ ਉਨਕਾ ਨਾਮ ਬੋਲਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਯਹਾਂ ਜਹਾਂ ਬੈਠੇ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਇਨਸਾ ਭਾਗ ਇਨਸਾ ਮੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਇਨਸਾ ਮੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਇਨਸਾ ਮੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਨਸਾ ਬੰਗੀਦਾ ਸੈਬਸਫੋਰਡ ਕੈਨੇਡਾ ਸੀਮਾ ਮਜੋ ਕਵੇ ਪਰਿਵਾਰ ਐਡਮਿੰਟਨ ਕੈਨੇਡਾ ਜਸਵੀਰ ਚੌਹਾਨ ਮੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਲਗਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਇਨਸਾ ਮੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕੈਨੇਡਾ ਪਰਮਜੀਤ ਇਨਸਾ ਮੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਨਸਾ ਮੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਰਗਾਮੋ ਇਟਲੀ ਇਕਵਾਲ ਇਨਸਾ ਮੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤਰਵੀਜੋ ਇਟਲੀ ਬੂਟਾ ਜੀ ਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੋਸਟਨ ਅਮੈਰੀਕਾ ਰਮੇਸ਼ ਇਨਸਾ ਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਰਲਿਨ ਜਰਮਨੀ ਅਨਿਲ ਇਨਸਾ ਮੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਲਬੋਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਾਜਿੰਦਰ ਇਨਸਾ ਮੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਰਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਣਕੌਰ ਇਨਸਾ ਸਾਥ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਇਨਸਾ UAE ਅਜਮਾਨ ਸਿਟੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਇਨਸਾ ਸ਼ਾਰਜਾ ਦੁਬਈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਖੇਰ
खेरा वे परिवार, सुमित शर्मा वे परिवार, हरि नारायण मनीला फिलीपाइंस, कल्पना इंसा वे दीपक इंसा बीजिंग चाइना, मनदीप इंसा लंदन, अरविंद इंसा ऑकलैंड न्यूजीलैंड, वीरपाल कौर वे परिवार ऑस्ट्रिया, गुरदीप सिंह वे परिवार भूपेंद्र इंसा दोहा कत्तर, शास्त्राम जी गर्ल स्कूल वे कॉलेज श्री गुरु सर मोड़िया, शास्त्राम जी गर्ल स्कूल बुधनी मध्य प्रदेश, बाकी अपने देश में हरियाणा पंजाब राजस्थान यूपी दिल्ली चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर मध्य प्रदेश उत्तराखंड छत्तीसगढ़ अहमदाबाद बड़ौदा गुजरात हैदराबाद आंध्र प्रदेश बिहार झारखंड कलकत्ता बेंगलोर कर्नाटका सांगली पुणे मुंबई महाराष्ट्र चेन्नई तमिलनाडु केरल और गोवा सब जगह साथ संगत बैठी हुई सबको आशीर्वाद मालिक सबको खुशियों से नवाजे रहमो करम करें। यहां जो साथ संगत आई है आशीर्वाद चाहती भाई की शादी है कि किरण वाले की संगत ने डेरे में चरण डालने की अर्ज करने आई है जी बेटे के पास कनाडा प्रसाद भेजना है सबको आशीर्वाद बेटा सबको आशीर्वाद। यहाँ आप डेरे के आश्रम की बात कर रहे हैं तो 50 नंबर में मिल लीजिए बात कर लीजिए सबको आशीर्वाद मालिक खुशियां बख्शे। घर में कोई परेशानी सुबह से लेकर रात तक घर में जो खाना बनता है सुबह करके बनाओ कम से कम 3-4 महीने या सारे परिवार वाले घंटा सुबह शाम इकट्ठे बैठ के 2-3 महीने लगातार सिमरन करो मेहनत करो तो लाखों की परेशानी दूर है मालिक ने जाप के भी जरूर दूर होंगी। कोई बच्चा नहीं दोनों में भी चेक करवाओ रिपोर्ट में कमी है तो सुबह करके दवाई लो रिपोर्ट नॉर्मल है तो सुबह करो 40-40 साल बाद भी मालिक ने बच्चे बख्शे हैं मालिक ने जाप पे भी रहमत होगी। अमेरिका जाना है हरदीप कौर आशीर्वाद बेटा वहां के लिए प्रसाद ले जाना सुमन करते रहना यहां भी आप बैठी हैं आशीर्वाद आशीर्वाद। एक भाई 15 दिन ड्राइवरी की सेवा करने से केस खत्म होकर नौकरी बहाल हो गई है कल परिवार को बुलाकर नाम दिलवाया जाम पिलाया अब घर वापस जाना है जी बेटा मालिक की रहमत हुई मालिक ने रहमत की सुमन करते रहिए और सबको आशीर्वाद है घर के लिए प्रसाद ले जाना जो सेवा की उसका मेवा मालिक जरूर देता है बेटा ये तो सच है सुमन करते रहिए आशीर्वाद। शास्त्राम जी नगर व कल्याण नगर की 8 बहने कल 120 लोगों को नाम दिलवाया आशीर्वाद लेना शाबाश बेटा शाबाश मालिक खुशियां बख्शे आशीर्वाद प्रसाद ले लीजिए आशीर्वाद शाबाश बेटा। घर जाने की आगे लेनी सेवा समिति का एक भाई शिफ्ट पूरी होगी खड़े हो जाइए 6 दिन में 40 दिन वाले मिस्त्री 6 दिन गाड़ी सहित सेवा की एक भाई 7 दिन 9 दिन 23 दिन 25 दिन 94 दिन में 10 महीने वाले भाई बहन ब्लाक जलालाबाद के 15 भाई बहनों ने 2 ट्रैक्टर ट्राली से 7 दिन सेवा की कल्याण समिति की बहनें श्री गुरु सरमोड़िया ने जाकर यही सेवा करेंगी जी तो बहुत बड़ी बात है बेटा शाबाश आप हर बार यहां मोर्चा संभालते हैं मालिक खुशियां बख्शे जिन्होंने भी सेवा की है उससे बढ़ चढ़ के सेवा सत्संग सुमन का फल मालिक आपकी झोली में डाले सारे परिवारों को कहना पिता ने आशीर्वाद भेजा घर के लिए प्रसाद ले जाना और आप भी खाना और समय के अनुसार जाना जैसा आपको बताया जाता है आशीर्वाद। अगर कोई बीमार है या बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना है तो मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके प्रसाद देते हैं प्रसाद लीजिए प्रसाद लीजिए दवाई आपके आसपास के डॉक्टरों से फायदा तो वहीं से लीजिए नहीं फायदा तो यहाँ 3 हॉस्पिटल गुरु सर बोलिए दवाई ले लो या राय ले लो पर जितनी बार दवाई लेने पहले आधा घंटा सुमरण करना कैंसर या लाइलाज बीमारी दिन रात मालिक का नाम जपो फिर दवाई लो मानते लाखों लोग ठीक होते करने वाला मालिक सतगुरु भगवान है मानना आपने है जी। बाकी 3 वचनों में पहली बार गलती हुई है तो अपनी जगह पे खड़े हो जाओ आपको माफी दिलवाने घबराओ मत और कुछ नहीं कहते 3 परहेजों में शराब नहीं पीना मांस अंडा नहीं पर पुरुष पराई औरत 3 वचनों में अगर गलती हुई और पहली बार माफी लेनी है पहली बार लेनी है माफी तो अपनी जगह खड़े हो जाओ आपको आशीर्वाद बोलेंगे आपकी तरफ हाथ आए उससे पहले पहले खड़े हो जाइए उसके बाद खड़े होने का कोई फायदा नहीं आशीर्वाद खड़े रहिए बैठो ना आशीर्वाद हाँ खड़े रहो आशीर्वाद खड़े रहना बैठना नहीं जी और जोर से नारा लगाओ और बैठ जाओ मालिक माफ करने वाले हैं आइंदा वचनों में गलती ना करो मालिक जरूर माफ करेंगे। बाकी अनजाने में कई बार होता है आदमी ब्रेड खा लेता है या पेस्ट्री वगैरह या कुछ भी ऐसा जिसमें अंडा या एग वगैरह अंडा होता है या मांस कुछ ऐसा होता है या फिर अनजाने में कोई गिलास में पानी पी लिया लगा कि उसमें शराब थी या कुछ ऐसी कोल्ड ड्रिंक्स या कुछ भी ऐसा पी लिया जूस वगैरह लगा कि उसमें शराब है तो वो लोग अनजाने में चेक कितनी बार हुआ है तो नारा लगा दीजिए उन सबको माफ है जी। बाकी छोटी गलतियां कुछ कह रहे हैं जी दर्शन होते बता दिए धक्के से गले में कुछ डाल दिया कई साम मार दिए एक बहन मीटिंग में नहीं आई 2 बार जाम पिया 2 बार बीमारी का प्रसाद लिया चूल्हा छोड़ने वाले परिवारों वाला प्रसाद ले लिया क्यों भाई हम कितनी बार कहते कि उनका प्रसाद मत लिया करो भजन में लफ्ज गलत बोल दिया 3री बार माफी लेनी है जी तो आप लोग नारा लगा दीजिए माफ है बेटा कोई बात नहीं बैठे बैठे नारा लगा दीजिए और 3 महीने सुमरण किया बंसीलाल 3 महीने सुमरण किया है जी और आइंदा गलती नहीं करेंगे सुमरण करते इसको रूटीन को बनाए रखो लगातार तो मालिक खुशियां बख्शे नारा लगा दो मालिक जरूर माफ करेंगे सुमरण करते ना अब मत कर बैठना आशीर्वाद बैठ जाइए
सेवा का स्पेशल प्रसाद, जो सेवादार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक और सारी सारी रात सेवा करते हैं, मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके अलग से उन्हें प्रसाद देते हैं। मालिक उन्हें अलग से दया में रहमत से नवाजे, खुशियां बख्शे, आशीर्वाद। चोला छोड़ने वाले परिवार आए हैं जी, नरेला खेड़ा सरसा से आए, इनके दादाजी ने चोला छोड़ा, नाम नहीं लिया था। उम्र 90 साल, परिवार दोनों तरफ आया है और उनके नेत्रदान भी किए, नेत्रदान महादान है जी, और उनकी याद में दीन दुखी मध्य में बैंक में 11,000 रुपए जमा करवाए, आशीर्वाद। तो बेटा जिसने नाम नहीं लिया होता, सारा परिवार जिसने नाम लिया उनके लिए प्रार्थना करो, सिमरन करो, मालिक ज्यों त्यों उन पे रहमत करते हैं। तो प्रसाद ले लो, मालिक आपको ताकत दे, प्रसाद लेने के बाद बैठ जाइए, आशीर्वाद। प्रसाद लेने के बाद इधर भी आपने बैठ जाना है, आशीर्वाद। और हजूर पिताजी द्वारा वैश्यावर्ती छोड़कर आने वाली लड़कियों और किन्नरों के उत्थान के लिए चलाई महान मुहिम के तहत शास्त्राम जी गर्ल्स स्कूल व कॉलेज का स्टाफ व प्रिंसिपल उनकी इस भलाई के महायज्ञ में 51,000 रुपए दे रहे हैं जी। तो वो स्टाफ, वो मेंबर जो अपनी खुशी से सहयोग डाल रहे हैं, सबको मालिक दिया में रहमत से नवाजे, घरों में खुशियां आए, परिवार में खुशियां आए, आप अच्छी तरह से पढ़ाएं, रिजल्ट अच्छा आए और मालिक आप उसके बदले में और खुशियां बख्शे। मालिक से दुआ करते हैं बेटा, आशीर्वाद। प्रसाद ले लेना, घरों में भी देना, आप भी लेना, आशीर्वाद। शाबाश बेटा। पूज्य पिताजी, अब तक 186 भक्ति योद्धाओं का बायोडाटा फॉर्म भरे जा चुके हैं जी, जो वैश्यों से शादी करवाने को तैयार हैं, यानी 186 के फॉर्म भर दिए गए हैं बायोडाटा, और नए 26 भक्ति योद्धा आज फिर इस महायज्ञ में आहुति डालना चाहते हैं जी। वाह भाई वाह, योद्धा वाकई योद्धा है। तो उनके नाम बोले जा रहे हैं, जिनका नाम बोला जाए अपनी जगह खड़े होना है जी, खड़े रहना है। पहला नाम उस लड़के का है, दूसरा उसके पिता का जी। गौरव इंसान सतीश चंद्र इंसान रतिका नगला हाथरस जूपी से, हिम्मत कुमार इंसान ओम प्रकाश इंसान नाभा पटियाला से, राकेश इंसान रामदेनी राय अंबाला से, नीर इंसान श्री श्रृंगारा राम इंसान जाखोली कैथल हरियाणा, लवली इंसान श्री शंकर इंसान लहरा गागा संगरूर पंजाब, राजन इंसान तेजपाल इंसान डगाली कुरुक्षेत्र हरियाणा, मांगे राम इंसान श्री धोना राम इंसान पत्रियां वाला फिरोजपुर पंजाब, चरण सिंह इंसा अच्छन राम इंसा पिपलहेड़ा करौली राजस्थान, बलजीत इंसा श्री चंद्रभान इंसा डूंडवा कैथल हरियाणा, सोनू इंसा धन्ना सिंह मानसा पंजाब, सत्यवान इंसा भंवर सिंह हुसैनपुर कलाम मुजफ्फरनगर जूपी, जगसीर इंसा जोगिंदर इंसा रोड़ी सरसा हरियाणा, अमरजीत इंसा जसवीर सिंह इंसा मलोट पंजाब, नरेंद्र इंसा प्रेम प्रकाश कल्याण नगर हरियाणा, नरेंद्र इंसा शोभलाल इटावा जूपी, इंद्रजीत सिंह दीवान सिंह सिकंदरपुर सरसा हरियाणा, संजीव इंसा अमर सिंह निराणा मुजफ्फरनगर जूपी, रमन इंसा प्यारेलाल शास्त्री सुपरमार्केट सरसा हरियाणा, दर्शन इंसा गज्जर सिंह चक्स मादी के फिरोजपुर पंजाब, मक्खन सिंह अमर सिंह अरैयावाली हनुमानगढ़ राजस्थान, जसपाल जगदीप सिंह सुख सागर सरसा हरियाणा, गुरदास इंसा नछत्तर सिंह 6DD श्री गंगानगर राजस्थान, लखवीर इंसा सुरजीत इंसा सिंहपुरा हनुमानगढ़ राजस्थान, गुरलाल इंसा छज्जू इंसा घोड़े नाव संगरूर पंजाब, सुरेंद्र इंसा जिले सिंह इंसा कल्याण नगर सरसा हरियाणा, विनय कुमार इंसा मिल्क राज इंसा कल्याण नगर सरसा हरियाणा। शाबाश बेटा, शाबाश, बहुत ही बड़ी बात है बहादुरो, शाबाश। धन्य माँ बाप हैं जो आप इसको अगर पूरी तरह से निभाओगे तो यकीन मानो महान योद्धा का खिताब वाकई आपको महान खुशियां बख्शेगा। तो आप लोग चल के प्रसाद लेना, घरों के लिए भी प्रसाद ले जाना, और अपना पूरा बायोडाटा 50 नंबर कमरे में जाके आप फीड करवा दो। जब भी ये शुरू होगा तो आपको बुलाया जाएगा, परिवार अगर सहमत है ठीक है, बहुत ही अच्छी गल है, सहमत करेंगे तो मालिक आपको खुशियां बख्शे। शाबाश, वाह भाई वाह, नौजवानों शाबाश बेटा, बल्ले। तो प्रसाद दे दीजिए, खुद को भी और परिवारों को भी देना है। कहां है सेवादार, प्रसाद देने वाले लांगरी जी, प्रसाद दिया करें और आगे आया करें, प्रसाद दें बच्चों को और वहां आप लिखवाएं जी, बैठ जाएं बेटा, नारा लगाएं, बैठ जाएं। शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश जी। और पूज्य पिताजी, सद्ब्रह्मचारी सेवादार सुखदेव इंसा भाई जो नासिक महाराष्ट्र में CISF में ड्यूटी पर है जी, उसने वैश्यवर्ती त्याग कर समाज की मुख्य धारा में आने वाली लड़की के साथ शादी करने का प्रण ले रहा है जी, और फोन पर मजलिस भी सुन रहा है जी। तो अगर वो फोन पे हैं तो जरा सा बात करवा दीजिए अगर संभव है, देख लो। और बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, उसका भाई तो यहां पे है ही सद्ब्रह्मचारी, आशीर्वाद बेटा, मालिक उसको खुशियां बख्शे, दिया में रहमत करे, आशीर्वाद। आगे है जी, पिताजी मेरा लड़का अभी कम आयु का है,
लेकिन हम आज से ये पढ़ लेते कि मैं अपने लड़के की शादी वेश्यावृत्ति त्याग कराने वाली लड़की से ही करूंगी जी, और ऐसी आने वाली लड़कियों की सहायता के लिए 51,000 रुपए जमा करवा रही हूं जी। शाबाश बेटा, बहुत बड़ी बात है। बीरपल इंसान, बहनों की ओर और बेटा भी आया है जी। हाँ बेटा छोटी उम्र का है, और वीरपाल ये कह रहे हैं कि मैं ये प्रण करती हूँ। शाबाश बेटा, दोनों को माँ बेटे को मालिक खुशियां बख्शे, दिया में रहमत करे। शाबाश, बहुत बड़ी बात है, मालिक रहमो कर्म करे। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। फिर भी आप अपना नाम दर्ज करवा ले क्योंकि बेटा थोड़ा ही छोटा होगा शायद जी। बेटा आशीर्वाद, आशीर्वाद। तो ये आंखें दान महादान, पिताजी एक जोड़ी अखा लेके आए हैं जी, होर सेवा ते सिमरन दा बल बख्शो। वैश्वा लड़कियों ने वैश्वीपुर की दलदल चो कढ के समाज की मुख्यधारा शामिल करने लई 5,100 रुपए भी असी जमा करो। शाबाश बेटा, अखा दान समती ब्लाक मलोट। शाबाश बेटा, मालिक तुहानू खुशियां देवे, तुसी भी प्रसाद लो। जिन्होंने अखा डोनेट की उन्होंने लिए भी प्रसाद लेके जाओ घर वास्ते, तुसी भी लेके जाओ, मालिक खुशियां बख्शे। तो प्यारी सत्संग जी, इन्होंने ये कार्ड बहुत सुंदर बनाया है। जब मौज में आई ये लहरें, मौज पे आई हो होता है बेटा, चलो कोई नहीं, हम आप उस तरह से पढ़ देते हैं। जब मौज पे आई हो लहरें, कतरे को समुंदर कर डाला, ये आपकी रीत पुरानी है, जिसे देखा खाली उसे भर डाला। तो ये इन्होंने कार्ड बनाया है जी, और बहुत ही सुंदर, अपने तरफ से ये बनाते रहते बच्चे, और ये ऐसे बंद भी हो जाता है, यूं लगता है हमने कि पता नहीं क्या रख रखा है ये। आई बार अच्छा बना के लाया। आशीर्वाद बेटा, मालिक खुशियां बख्शे क्योंकि आंखें दान तो महादान, बहुत खुशियां मालिक देता है जी। दीन दुखी को जो मदद करते हैं, बैंक में पैसा जमा करवाते हैं, उनकी लिस्ट बोली जाएगी। पर उससे पहले साथ संगत में अगर कोई प्रसाद, पेन, शादी के कपड़े, बच्चे कपड़े, गाड़ी की चाबी लेके आया कि आशीर्वाद लेना है, विवाह शादी के कपड़े या मकान की चाबी, तो बैठे बैठे ऊपर कर लीजिए। आशीर्वाद, प्रसाद करो, मैं खुशियां दे, गाड़ी आराम से चलाओ, मोटरसाइकिल तो हेलमेट रखो, पेन है तो लगन से याद करो, लिखाई करो। और अगर विवाह शादी सुख सुविधा से संपन्न हो, और अगर गृह प्रवेश है, तो नारा लगा के जिस दिन मर्जी और जिस टाइम मर्जी कर लीजिए। और अगर आपके बेटा बेटी हुआ है तो मालिक से दुआ है वो अच्छा नेक इंसान बने और आप सबको आशीर्वाद कहते हैं जी। आशीर्वाद नीचे कर लीजिए। और अगर कोई नशा छोड़ना चाहता है, कितना भी गंदा नशा है, 7 दिन के लिए यहां पे रुक जाइए, परिवार का एक आदमी 7 दिन यहां पे रुक जाओ। 7 दिन सेवा श्रवण करने से भयानक नशे छूट जाते हैं। लेकिन ख्याल रखिए, परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे, और जब नशा छोड़ के जाओ, यार दोस्त जो नशेड़ी है उनका संग, उनकी सोहबत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बाकी जो दीन दुखियों की मदद करते हैं उनकी लिस्ट बोली जा रही है। हाँ जी बोलिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जिन भाई बहनों के नाम बोले जा रहे हैं, उन भाई बहनों ने खड़े होकर नारा लगाकर बैठते जाना है जी। प्रेमी राकेश इंसान, सुनो श्री संजीव
फौजी सज्जन बोल रहे जी बेटा पिताजी तेरे आसरा जी हाँ जी ठीक है बेटा पिताजी मैं गुरप्रीत सिंह सर पिताजी मैं पैरामिलिट्री फोर्स सीआई सर विच हाल ही पिताजी होना जी पिताजी मैं जो आप जी ने जो मुहिम चलाई है वैश्यावर्ती के लिए सर पिताजी मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ पिताजी अपने ओर से जी शाबाश बेटा शाबाश मालिक खुशियां बख्शे दिया मैं रहमत करे आशीर्वाद बेटा बहुत बहुत आशीर्वाद जो तुम आओगे थोड़ा इतने बायोडाटा लिखवायो जी बेटा बोलो पिताजी मैं महाराष्ट्र नासिक इधर भी बहुत कुछ पिताजी ठीक नहीं है माहौल जी जी बेटा इस तरह का माहौल तो हर जगह है बेटा हाँ जी पिताजी मैं पिताजी आप जी का आशीर्वाद चाहना पिताजी इधरों भी आप पिताजी भी दरबार न जोड़ा जाए पिताजी बस बस आप जी रहमत करो पिताजी जी बेटा पूरी कोशिश करांगे अपना तो काम ही है बेटा मालिक की दुआ भी करांगे हाँ जी पिताजी आप जी ठीक ठाक हो जी पिताजी जी बेटा तुसी सुनाओ हाँ जी पिताजी ठीक है जी बढ़िया जी जी बेटा आशीर्वाद बहुत खुशी है पिताजी सुनने पहले तो गल की जी फोन पे जी जी बेटा आशीर्वाद पिताजी रहमत करना पिताजी मेरे पिताजी मैं बहुत दूर बैठा थोड़े को पिताजी मैं मजल सुनने नहीं मिलती थोड़े दर्शन करने नहीं मिलते पिताजी बहुत दूर आई थोड़ा तीन चार दिन लग जाते रास्ते आने के मैं जी बेटा घबराना सिमरन कर बेटा बचना तेरे मालिक तो कदे बंदा दूर नहीं हुंदा बेटा हाँ जी ठीक है बेटा अच्छा बेटा हाँ जी ठीक है बेटा तन तन सतगुरु तेरा ही आसरा जी बेटा आशीर्वाद मालिक खुशियां बख्शे सो प्यारी सत्संग जी आप देख रहे हैं नौजवान कितने उतावले हैं लोग तो कह रहे थे जी मुश्किल है लेकिन यहाँ तो क्या कहें बेपरवाह जी का रहमो करम बस अरबोंवार नमन ही नमन उस सतगुरुदाता को जिन्होंने इन बच्चों के अंदर ऐसा जोश भरा और माँ बाप भी धन्य हैं जो ऐसी औलाद को जन्म देते हैं कोई छोटी बात नहीं है ये बहुत बड़ी बात है सो सत्संग जी मालिक ऐसे परिवारों को खुशियां बख्शे और अब उधर से भी ऐसा हो बस यही मालिक से दुआ करते हैं कि वो लाचार बच्चियों तक ये संदेश पहुंच पाए पता नहीं प्रिंट मीडिया पर हुआ या दूसरे पे हुआ या नहीं हुआ किसी ने हमें यहाँ के जुम्मेवार ने बताया नहीं हम तो देखते नहीं टेलीविजन भी और ना अखबारों का तो बताया था कि आया है लेकिन टीवी पे अगर होता है तो कुछ बात होती है कि वहां तक उन लड़कियों तक बात संदेश पहुंचे अभी अल्लाह जाने ये लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे कह रहे थे जी सीडी दे रहे हैं कर रहे हैं तो इनको बोला भी था कॉन्फ्रेंस भी करो लेकिन शायद ऐसा कुछ नहीं हुआ जी जी वैसे ये भी था कि आपको कॉन्फ्रेंस का भी बोला था डॉक्टर को भी बोला था क्या किया आपने क्या किया उसका जी तो इसकी कॉन्फ्रेंस की जाए और हो सके तो लोगों को पता चले और लोग भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे फिर जो बुद्धिजीवी हैं समाज सुधारक हैं वो भी उन लाचारों को एक जगह मिल जाएगी तो वो उनको लेके आ सकते हैं तो इसका किया जाए सिर्फ लिखो ना लिख भी लो और करो भी इसकी कॉन्फ्रेंस वगैरह कहीं भी हो जाए ताकि लोगों तक संदेश पहुंच सके और ये होता है ऐसा नहीं है कि भला करने वाले लोग नहीं है दुनिया के कोने कोने में बैठे पर उनको एक स्टेज चाहिए उनको एक ऐसा स्थान चाहिए यहाँ पे उनकी की गई भलाई को पूर्णतया मूर्त रूप दिया जा सके तो ऐसे लोगों को एक संदेश पहुंचेगा और कई बच्चियों को ये होता है कि अगर हम यहां से जाएंगे तो जाएंगे किधर फिर कोई और पकड़ लेगा कोई और खरीद लेगा और खरीदो फरोख्त होगी तो जब उनको लगेगा कि नहीं ऐसा कोई माँ बाप भी है जो उन्हें अपना लेगा तो फिर नेचुरली वो भी बच्चे आ सकते हैं हमें नहीं लगता कि उन्हें इस बारे में शर्म आनी चाहिए क्योंकि शर्म तो तब है जब वो गंदगी के माहौल में रह रही हैं और अगर वो गंदगी त्याग के आती हैं तो वो एक तरह त्याग है आपने उसे त्याग दिया है तो उनका भी कोई ना कोई नाम रखेंगे पर अगर कोई आएगा पहले तभी बात बनती है मालिक नाम भी तभी पैदा करते हैं करने वाले वही तो अब प्यारी सत्संग जी थोड़ा समय बैठे रहना आपका बहुत बहुत स्वागत बस थोड़ा समय सज रहिएगा फिर जैसा आपका विचार बस थोड़ा समय बैठे रहना है धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा एक दो मिनट के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपने अपने जगह पर बैठे रहें जी